Hello friends, welcome to my channel. Before starting our video, please like and subscribe to my channel. We are going to start with class 6 history book chapter 2 from hunting, gathering to growing food. Chapter 2 of history deals with the earliest people who moved from place to place in search of food. This chapter discusses about main topics deals such as how we came to know about these people. How they start farming and hunting. So here हम इस चैप्टर में बात करेंगे लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, लोगों ने फार्मिंग खेती बाड़ी की शुरुआत कैसे की और हंटिंग पशुओं को पालना जैसे गोट सीप काउ ये सब की शुरुआत कैसे हुई. दिस चैप्टर एंड्स विद एक्सप्लेनेशन ऑफ पीपल जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ एट मेहगढ़. ये जो मेहगढ़ नाम की जगह है वो आज के डेट में पाकिस्तान में है. तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक की ओर देखते हैं. द अर्लीस्ट पीपल वाई वेर दे ऑन द मूव. वी डिस्क्राइब पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट 2 billion ईयर अगो. हंटर एंड गैदरर्स. हंटर्स वेर द पर्सन ये वो व्यक्ति थे जो अपने भूख मिटाने के लिए जंगली जानवर का शिकार करते थे. गैदरर्स वो व्यक्ति हैं जो जंगल से फल फूल पौधों के जड़े इकट्ठे करते थे अपने भोजन के लिए. This name has been provided because they hunted wild animals, catch fish, bought, gather fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs for their food. So, इनका नाम ये जो अपने भूख मिटाने के लिए जो क्रिया करते थे उस पर निर्धारित किया गया है. Hunters and gatherers move from place to place because of the following reason. So, यहाँ पे कुछ कारण दिए गए हैं जिस वजह से शिकारी और पशुपालक एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करते थे. तो पहले रीजन है इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्सेज. तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो एक ही जगह पे अधिक समय के लिए रहते तो वो आसपास के जंगल में रहने वाले सभी प्लांट फल पौधे जानवर सबको मार कर खा जाते, सब कुछ नष्ट कर देते. दूसरा कारण है एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सो दिस पीपल्स हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट फॉर हंटिंग पर्पस. जो ये जानवर होते हैं वो खाने के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं. इसी कारण उस जमाने के लोग इनका पीछा करते हुए इनको मार के खाने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान तक प्रस्थान करते थे. तीसरा रीजन है वाई पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. सो ऐसे बहुत से प्लांट हैं जो सीजन वाइज फ्रूट्स देते हैं जैसे एप्पल मैंगो लीची संतरा ये सब. इन सब की खेती सीजन पे डिपेंड करती है. फोर्थ रीजन इज पीपल लिव ऑन देयर बैंक. बैंक का अर्थ है नदी के किनारे. वुड हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन फ्रॉम देयर प्लेस. सो कभी कभी जब गर्मी बहुत तेज होती है और सूखापन लगता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं घर के उनके शेल्टर के पास के नदी लेक तो वो पानी की तलाश में अपने घर छोड़ के कहीं और जाके रहना शुरू करते हैं. सो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल्स. हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे लगता है. आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर हैड जस्ट मेड एनी यूज. आर्कोलॉजिस्ट को ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो शिकारी और पशुपालक इस्तेमाल करते थे. दे मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन के बने हुए औजार वुड एंड बोन ऑफ विच स्टोन वुड हैव फॉलो बेस्ट. स्टोन टूल्स वेर यूज टू कट मीट एंड बोन स्क्रैप पार्ट्स फ्रॉम ट्री एंड हाइड्स. जानवर के स्किन चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स. अदर टूल्स वेर यूज टू चॉप वुड लकड़ियाँ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता जाने वाले औजार. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चूजिंग अ प्लेस टू लिव. रहने के लिए कौन सा स्थान का चुनाव करें. पीपल प्रेफर टू लिव इन द प्लेस हैविंग द फॉलोइंग अवेलेबिलिटी. लोग ज़्यादातर इस तरह की जगह पर रहते थे जहाँ ये सारी चीज़ मिलती हो. दे लिव नियर टू द रिसोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक. वो नदियों लेक के किनारे ज़्यादा रहना पसंद करते थे ताकि उन्हें अपने रोज की इस्तेमाल के लिए पानी मिल सके.
People trying to find place where good quality stone was easily available as it was important for hunting. लोग वहाँ भी रहते थे जहाँ अच्छी 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 स्टोन मिलती थी जो उनको शिकार में मदद कर सके. सो नेक्स्ट इज फाइंड आउट अबाउट द फायर, आग की खोज. फेसेस ऑफ एस शो दैट पीपल एट द टाइम वेयर हैव इन्वेंटेड द फायर. एस का मतलब है राख, कोई चीज जल कर राख हो गई. आर्कोलॉजी का कहना है उन्हें ऐसा कुछ राख मिले हैं जो प्रूफ करते हैं कि उस जमाने के लोग आग की खोज कर चुके थे. इट कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स. वैसे तो आग की बहुत सारी इस्तेमाल है पर यहाँ हम सिर्फ तीन इस्तेमाल के बारे में जानेंगे. पहला है अ सोर्स ऑफ लाइट. ये एक सोर्स ऑफ लाइट, ये अंधकार भगाने के लिए उपयोग किया जाता था. दूसरा है तो रोस्ट मीट, ये मांस को भूनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. तीसरा है तो स्केयर ऑफ एनिमल्स, लोग अपने घर के आसपास आए जंगली जानवर को भगाने के लिए और डराने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे. नेक्स्ट वी हैव चेंजिंग इन्वायरमेंट. अराउंड 12,000 ईयर अगो देयर वर अ मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड इन मेनी एरिया. 12,000 साल पहले इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंज आए जिसकी वजह से ग्रासलैंड, घासों का उगना बहुत बढ़ गया. दिस ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन द ग्रास. सो इस वजह से जो जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए घास खाते थे जैसे काऊ, बफेलो, गोट, सीप, इन सब का संख्या भी बढ़ने लगा. सो पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड वेयरिंग दिस एनिमल्स. फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर पीपल. सो लोगों ने इन शाकाहारी जानवरों को पालना शुरू कर दिया जिनसे उन्हें कोई खतरा नहीं, जिनमें जिनके साथ रहने पर उन्हें कोई बीमारी नहीं फैलेगा. सो दूसरी नेक्स्ट टॉपिक है हमारी द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड पीपल केम टू नो अबाउट ग्रोइंग व्हीट, बरेली, राइस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. दिस इज हाउ दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फार्मिंग. तो फार्मिंग की शुरुआत 8,000 साल पहले हुई है. नेचुरल प्रकार से वीट, जो धान, गेहूं के पौधे आने शुरू हो गए. पीपल ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम्प्ट एनिमल बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर. लोग अपने घरों के और गुफाओं के पास जानवर को बुलाने के लिए खाना रखते थे ताकि वो उन्हें पाल सके. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्प्ट वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. जो कुत्ते हैं उनके पूर्वज थे जंगली कुत्ते. एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल, ऑल्सो द पिग लिव इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास. ऑफन पीपल प्रोटेक्ट दिस एनिमल फ्रॉम द अटैक ऑफ अदर वाइल्ड एनिमल्स. सो लोग जो उन पशुओं को पालते थे शाकाहारी पशुओं को, वो बाहर की जंगली जो मांस खाने वाले पशु हैं उनसे अपने पशुओं को बचाते थे. दिस इज हाउ दे बिकम हेडर्स. अ न्यू वे ऑफ लाइफ. People had to stay in the same place for a long time looking after the plant, watering, weed, driving away animals and birds. जब लोगों ने फार्मिंग खेती की शुरुआत की तो वो उन्हें एक स्थान पर ज़्यादा समय तक रुकना पड़ा क्योंकि उन्हें अपने खेतों का ध्यान देना है, उसे पानी डालना है, पक्षियों से अपने फसल को बचाना है. टिल द ग्रेन रिपेन, जब तक उनका फसल ठीक से तैयार नहीं हो जाता. दे ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग ऑफ स्टोरिंग द ग्रेन फॉर द फूड एंड सीड्स. दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट. लोगों ने खाने के जो अनाज है उस सबको स्टोर करना शुरू कर दिया. उन्होंने घड़ा बनाना भी शुरू कर दिया और व्हीट बास्केट और डॉग पिट इनटू द ग्राउंड. स्टोरिंग एनिमल दैट आर रेयर कैन बी यूज एज द स्टोर ऑफ फूड. इसका मतलब है जो जानवर पालते थे जैसे बकरी, काऊ, वो जानवर उनको दूध भी दे सकते थे और ज़रूरत पड़ने पर अपने उनके भूख मिटाने के लिए उन्हें मारकर खा भी जाते थे. इस तरह एनिमल्स आर रेयर टू बी यूज एज स्टोर ऑफ फूड टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ. आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हॉर्स और अ हाउस एट द सेम साइट विच शो दैट पीपल हैव अ स्टेबल लाइफ. साइट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ बीते हुए वक्त में बनी हुई बिल्डिंग, पेंटिंग, उस जमाने की कॉइन्स, ये सब मिले
एविडेंस प्राप्त हो। पहला है दे ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट बोथ साइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल यूज टू कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर। सो मौसम के मुताबिक लोग खाना अंदर बनाते थे या बाहर। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइड मेनी ऑफ दिस आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैथोलिथिक टूल्स। पैथोलिथिक मतलब पुराने जमाने के हथियार जो मेनली स्टोन से बने हो एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नेथोलिथिक नए जमाने के औजार। दिस इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज इट। जो ये नए जमाने के औजार थे ये छोटे होते थे और ये बहुत शार्प फाइन इस प्रकार के होते थे। मोटर एंड पिस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टूडे इट पास फ्रॉम पार दिस पार सम ऑफ द टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स। और उसमें हड्डी से भी बनी हुई औजार होती थी। मेनी काइंड ऑफ ईस्टर्न पोर्ट्स हैव बीन फाउंड दिस वर यूज फॉर डेकोरेशन एंड स्टोरिंग थिंग्स। बहुत सारे ऐसे घरे मिले हैं जो उस जमाने में सजावट या फिर अनाज रखने में काम आते होंगे। पीपल ऑल्सो बिगेन वीविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स फॉर एग्जाम्पल कॉटन। लोगों ने उस जमाने में कपड़े भी बनाना शुरू कर दिया था। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहगढ़। तो हमने पहले ही बात किया था मेहगढ़ के बारे में। मेहगढ़ एक इस जगह का नाम है। अब ये जगह पाकिस्तान में पड़ता है। मेहगढ़ वॉज वन ऑफ द प्लेस वेयर मेजर पीपल लर्न टू ग्रो बैरली एंड वीट एंड रेयर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एरिया। तो मेहगढ़ ये पहला प्रोबेबली पहला जगह होगा जहाँ लोगों ने खेती और पशु पालने की प्रक्रिया आरम्भ किया होगा। एट दिस विलेज मेनी एनिमल्स बॉर्न वेयर फाउंड। इस जगह पर बहुत सारे जानवर की हड्डियाँ मिली है। अदर फाइन अ मेहगढ़ इंक्लूडिंग रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हाउस। तो कुछ स्क्वायर टाइप के कुछ रेक्टेंगल टाइप के घर मिले हैं जिसमें लोग रहा करते थे अपने अनाज रखते थे इत्यादि। द पर्सन वॉज बरीड विथ गोट विच वॉज प्रोबेबली मीन टू सर्व एज द फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। सिल्वर बॉडी साइट हैव बीन फाउंड इन मेहगढ़। इसका मतलब जब कोई व्यक्ति मरता था तो उसके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव उसको अंतिम विदाई देते थे पूरे सम्मान के साथ। इसमें वो बकरियों को भी जलाते थे उनके साथ। उनके मुताबिक तो वो अगले किसी और वर्ल्ड में खाना पहुंचा रहे। थैंक यू।